गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडेज चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। अब ये लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, हम कैसे पता करते हैं कोई व्यक्ति जीवित है या निर्जीव है। तो हमने देखा कि जो गति मूवमेंट इज अ विजिबल थिंग दैट कैन आइडेंटिफाई अ पर्सन इज लिविंग और नॉट। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की उसमें गति हो रही है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जीवित है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमारी नर्व्स की गति देखकर बता देता है कि व्यक्ति जीवित है या निर्जीव हो चुका है, मृत हो चुका है। इस तरह सांसों की गति है, हाथों शरीरों की गति एक सूचक है कि हम जीवित हैं। पेड़ पौधे ये भी तो जीवित हैं, क्या वो भी गति कर रहे हैं इस प्रकार की? हाँ अवश्य। पौधा जब छोटा रहता है वो पेड़ बनता है तो वो भी एक प्रकार की गति है जो उसे पौधे से पेड़ बना रहा है। कुछ गतियां ऐसी होती हैं जिस जो हम देख सकते हैं, जिसको हम विजिबल मूवमेंट्स का नाम देते हैं। कुछ ऐसी गतियां हैं जो अदृश्य हैं, जिनको हम महसूस नहीं कर सकते, जो मॉलिक्यूलर लेवल या परमाणविक स्तर पर होती हैं। जब हम कोई कार्य नहीं कर रहे होते, जब हम सो रहे होते हैं, हमारे अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तब भी लगातार हमारे अंदर गति कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स गति कर रहे होते हैं, अणु अपना कार्य कर रहे होते हैं। पुरानी कोशिकाएं जो है वो मृत हो रही होती हैं और उनकी जगह पे नई कोशिकाओं का निरंतर निर्माण हो रहा होता है। इसी को हमने एक मेंटेनेंस वर्क का नाम दिया। यही एक मूल आधार है लाइफ प्रोसेस का, जो मूल आधार हमारा है मेंटेनेंस वर्क। अब ये मेंटेनेंस वर्क जो है ये निरंतर होने वाली क्रिया है। लाइफ प्रोसेस जो है चार चरणों से बना हुआ है। जो लाइफ प्रोसेस के जो चार स्तंभ हम कह सकते हैं वो है न्यूट्रिशन या पोषण, रेस्पिरेशन, श्वसन, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक संवहन तंत्र है, और लास्ट एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। ये चारों ही क्रियाएं हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए समझें एक उदाहरण से कि किस प्रकार ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से कोई भी सिस्टम सुचारू रूप से कार्य नहीं करता तो कोई ना कोई हमें बीमारी या हमारा शरीर कार्य नहीं कर पाता। आइए उदाहरण के लिए बात करते हैं न्यूट्रिशन है क्या। पोषण, हमने देखा शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यह ऊर्जा जीव कहां से प्राप्त करेगा? एकमात्र स्रोत भोजन है। भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, इसी को हम न्यूट्रिशन का नाम देते हैं या पोषण का नाम देते हैं। दूसरा हमने देखा रेस्पिरेशन। अब हमने ईंधन तो ले लिया, अब उससे ऊर्जा कब हमें प्राप्त होगी? जब उस ईंधन का दहन होगा, जब उस फ्यूल को हम बर्न करेंगे तब उससे हमें एनर्जी मिलेगी। अब हमने देखा कि फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है। अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैस आएगी कहां से? वो प्रक्रिया पूर्ण करेगा रेस्पिरेशन या श्वसन। मतलब श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें हम बाह्य वातावरण से, आउटसाइड एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी में इनटेक करते हैं और फूड का ऑक्सीडेशन होके एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है। और जब शरीर को उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस एटीपी मॉलिक्यूल से हम ऊर्जा पुनः प्राप्त करते हैं। हमने 9 क्लास में पढ़ा है एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है और एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अब हमने देखा कि ऊर्जा तो बन गई एक स्थान पे, उसको अन्य स्थानों तक भी तो पहुंचाना है। हर एक कोशिकाएं जीवित हैं, हर एक कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता है, हर एक कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। मतलब पदार्थों का
ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रम है या प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम द्वारा या संवहन तंत्र द्वारा। मतलब संवहन तंत्र की आवश्यकता क्यों है? पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए ये आवश्यक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। अब हमने देखा जब भी किसी ईंधन को हम जलाते हैं, उसका दहन करते हैं, तो कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनको हमें क्या करना है, डिस्पोज ऑफ कर देना है। इसी तरह हमारे शरीर में जब श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो कुछ ऐसे पदार्थ शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं जिनको हमें शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये हमारे शरीर को दूषित करेंगे, बीमार करेंगे। जैसे हमने देखा कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो उसको हम एक्सहेलेशन प्रोसेस द्वारा उस CO2 को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इसमें हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे शरीर में, उत्सर्जन तंत्र, यूरिन का एक्सक्रीशन देखेंगे। ये सब बातें हम इस अध्याय के बाद के चरण में देखेंगे। अब ये चारों ही एक दूसरे से हमने देखा संबंधित है, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन से और सर्कुलेशन एक्सक्रीशन से। अब यही चारों प्रोसेस अगर सुचारू रूप से चल रहे होते हैं तो हम देखते हैं हमारा शरीर स्वस्थ है, उनमें अच्छी तरह से क्रियाएं पूर्ण रूप से हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगला जो चैप्टर होगा हमारा न्यूट्रिशन पे होगा। हम देखेंगे न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, दो तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। इसका हम डिटेल चर्चा अपने चैप्टर में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।